हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके हॉल टिकट के बारे में कि आपकी हॉल टिकट इग्नो की वेबसाइट पे कब रिलीज़ की जाएगी। आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपियर करने वाले हैं, आपके एग्जामिनेशन 4 मार्च से स्टार्ट होकर 11 अप्रैल तक कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्जामिनेशन के लिए अपियर करेंगे और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया। सो दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल टिप्स गुरु इग्नू भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपकी होल टिकट के बारे में बात करने से पहले उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2021 सेशन में इग्नू में न्यू एडमिशन करवाया है या फिर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट कर दिए गए। सो आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ मार्च और अप्रैल के महीने में आपके असाइनमेंट्स जमा किए जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इग्नू की तरफ से 10 फरवरी को ही आपके एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसमें बताया गया कि आपके एग्जामिनेशंस 4 मार्च से कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में 14 फरवरी को इग्नू की तरफ से आपकी डेट शीट भी जारी कर दी गई। आपने अपनी डेट शीट में चेक किया होगा, 4 मार्च से स्टार्ट होकर आपके एग्जामिनेशंस 11 अप्रैल तक कंडक्ट किए जाएंगे। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डेट शीट चेक नहीं की होगी, तो आप अपनी डेट शीट भी चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आपके प्रमोशन के बारे में या आपके एग्जामिनेशंस के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एग्जामिशन के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन में इग्नू में न्यू एडमिशन करवाया था बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए या फिर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, उन सभी प्रोग्राम कोड्स को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप अपना प्रोग्राम कोड इसमें चेक कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के एग्जामिनेशंस अभी 4 मार्च से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उसमें कंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं किया। अगर आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं भी किए जा रहे हैं, आपको डायरेक्टली प्रमोट भी किया जा रहा है, तब भी आप अपना री रजिस्ट्रेशन टाइम पे करते रहिए, अदरवाइज़ आपकी डिग्री कंप्लीट होने में आपको लेट हो जाएगा। दोस्तों, इग्नू में आप अपने एग्जामिनेशंस दिए बिना, अपने असाइनमेंट जमा किए बिना भी अपना री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास के लिए करवा सकते हैं। साथ ही अभी आपकी लास्ट डेट 28 फरवरी तक है, इसलिए आप इसके लिए देरी ना करें और जल्दी से जल्दी अपना री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीट कर लीजिए। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए इग्नू की तरफ से 28 फरवरी या फिर उसके बाद में एक पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसमें आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए एप्लीकेशंस डाल पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपके हॉल टिकट के बारे में मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 24 फरवरी की डेट है और आपकी हॉल टिकट 25 या फिर 26 फरवरी को 100% इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। सो दोस्तों, ये सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।